हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन से लेके कुछ ज़रूरी चीज़ों के बारे में। हालांकि मैं बहुत डिटेल में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस बता चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मगर इस वीडियो को बनाने का मकसद है क्योंकि कुछ इस तरह की क्वेरीज़ कुछ दोस्तों से मेरी तरफ आई थी कि आजकल एक रिक्वायरमेंट आने लगी है जब कोई वो कैशलेस प्रोसेस के लिए जाते हैं कि पैन कार्ड मैंडेटरी हो गया है, वो भी मरीज़ का, अदरवाइज़ वो कैशलेस प्रोसेस करने से मना करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है और क्या इसका कोई समाधान भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है। दोस्तों, पहला ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिस्क्रिप्शन जिस पर डॉक्टर ने एडमिशन एडवाइज़ किया है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये ज़रूर मांगती है आप जस्टिफाई करें कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है या नहीं है। तो जो भी डायग्नोसिस बना है डॉक्टर ने उस अपने प्रिस्क्रिप्शन पर मेंशन किया होता है कि ये डायग्नोसिस और इसके लिए मरीज़ को भर्ती करना ज़रूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिनके आधार पर वो डायग्नोसिस बना है या वो बीमारी डायग्नोस हुई है। मान लो किसी को गॉल ब्लैडर की स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, तो इस तरह से किसी के पास एक्सरे होगा, किसी के पास अल्ट्रासाउंड होगा या कुछ और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जिनके आधार पर वो बीमारी डायग्नोसिस हुई है। तीसरा होता है इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड, टीपीए कार्ड, या इंश्योरेंस कंपनी का जो पॉलिसी आपने खरीदी थी वो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट जिसके आधार पे जो अस्पताल है वो क्लेम कैशलेस क्लेम प्रोसेस करता है टू इंश्योरेंस कंपनी। और जो तीसरी हम बात करें दोस्तों, जिसका टॉपिक आज मैंने मेनली इस वीडियो में लिया है, आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो इंश्योरेंस कंपनी से अब डिमांड आने लगी है कि आपके लिए मैंडेटरी है आधार कार्ड का और पैन कार्ड का सबमिट करना जो मरीज़ अस्पताल में भर्ती हुआ है उसका। यहाँ पे आधार कार्ड तो जनरली सारी पॉपुलेशन के पास आजकल है और मिल जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक प्रॉब्लम सामने आती है कि कुछ लोगों के पास अपने पैन कार्ड नहीं है, या तो कोई किसी का डिपेंडेंट है। मान लो अगर मैंने अपने माँ बाप का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है तो उनके पास हो सकता है पैन कार्ड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्योंकि उस समय अस्पताल के लिए गाइडलाइन है इंश्योरेंस कंपनी से कि हमें मरीज़ का पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ट्रांजैक्शंस का अमाउंट एक लिमिट से ऊपर होता है, तो वहाँ पर उनकी भी मजबूरी हो जाती है इंश्योरेंस कंपनी की ये डिक्लेयर कराना कि हाँ इस मरीज़ का हमने ये ट्रांजैक्शन किया है इस नंबर के अगेंस्ट। तो ऐसी हालत में दोस्तों क्या करें? तो क्या मरीज़ का कैशलेस प्रोसेस नहीं होगा, या मरीज़ पैन कार्ड ना होने की हालत में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट नहीं उठा पाएगा? तो दोस्तों इसका भी एक समाधान है। इसका समाधान ये है, एक फॉर्म होता है फॉर्म 60 जो टैक्स डिपार्टमेंट ने ही इशू किया है, एक तरह का डिक्लेरेशन फॉर्म है, और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास अपना पैन कार्ड नंबर नहीं है बट कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो वो कर सकते हैं। जो उन्होंने एक रूल है टैक्स का जिसको हम 114B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नाम से जानते हैं, जिसमें स्पेसिफाई की गई हैं कुछ कंडीशंस के, इन कंडीशंस में फॉर्म 60 डिक्लेरेशन भर के हम ट्रांजैक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो आप जो हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क है आप उससे फॉर्म 60 डिमांड करें, फॉर्म भरें, डिक्लेयर करें और उसके बेस पे आप कैशलेस प्रोसेस करें। इससे आपका कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, नहीं रुकेगा, और इंश्योरेंस कंपनी आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का अप्रूवल देगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी भरा रहा हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।